मैंने बड़ी खुशी हो रही है थोड़ा जोश देख के, जिस तरह ना जोश मैं आज देख रहे हैं। मैं 2007 दे विच कई बार कांग्रेस की टिकट मंगी, मैनू मिली नहीं, लोगों ने मैनू आजाद खड़ा करता। उस टाइम मैं इतना जोश देखा सी कि चारे पासे दे हरेक पार्टी दे बंदे इकट्ठे होके मैनू जिता रहे सी। अज भी थोड़े चो ही जोश मैं देख रहा। कल मैं बटाले गया सी, परसों हर पासे जिथे जाते वर्कर दे विच लोकां दे विच एक नवा जोश आ गया। एक नवी उम्मीद, एक नवा पंजाब सृजण की सोच दे नाल लोग बाहर आ रहे हैं। एक पासे नूं तुरन लगे। सो मैं बधाई देना श्री राहुल गांधी जी नूं, कांग्रेस पार्टी दे प्रधान पंजाब दे नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं, कांग्रेस पार्टी दे लीडर ते वर्कर साहिबान, कि जिहड़ी नवीं उम्मीद पंजाब दे विच जागी है, जो नवा जोश पंजाब के लोगों में आया है, जो वर्कर दे विच नवी क्रांति दिखण नूं मिल रही है, इस तरह कदे पहला ना मैं देखिया नहीं। इस तरह का वर्कर दे जोश कदे पहला देखण नूं मिलिया नहीं। मैनू बिट्टू जी कहते असी अकालिया दे एक प्रोग्राम च लोग जाते देखे है, लेकिन इस तरह उत्साह नहीं होता। मैं क्या बिट्टू जी फर्क है, उन्होंने प्रोग्राम च हुण लोग इस तरह जा रहे जिस तरह भोग पर जा रहे होंगे सोग मनाते, अपने प्रोग्राम च लोग इस तरह आते जिस तरह ब्याह जा रहे होंगे शगन मनाते। हाँ बीबियां सब से मूहरे खड़िया, जिन्ना इना जोश है मैं कदे ना कदे जोश देखिया ही नहीं बीबी। हर आपां ने महिला का सशक्तिकरण करना है, महिलावां नूं बराबर दे हक देने, महिलावां नूं मुक्के लेके आना है। जिन्ना काम जे महिला घर सब तो वधिया सांभ सकती है, तां महिलावां पंजाब नूं भी सब तो वधिया सांभ सकदी। इस करके जब महिलावां दी गल कर ला, बंदे ते ताड़ी मार दिया करो, रोटी इन्होंने देनी है घर, इन्हां तो बिना समाज नहीं चल सकता, इन्हां तो बिना दुनिया के नहीं बच सकती, इन्हां तो बिना पंजाब नहीं चल सकता। इस करके असी तगड़े होके बराबर मोटे ते मोटा जोड़ के महिलावां नूं अगे लेके आना। बहुत सारिया रायतां पहलां दित्तियां गई है, लेकिन रायतां दी मोहताज नहीं है। औरत शक्ति पावर दा शेयर मंगदी है, जेड़ा असीं आउण वाले दिनां च इन्हां नूं देणा। सो सत्कारयोग वीरो, अज महसूस हो रहा कि आम लोगों का राज है, अज तक सुनवाई नहीं सी इस तरह की। गरीब बड़े बड़े बिजली के बिल लेके गलियां च घूम रहे, लीडर कोल घूम रहे, कोई कहना मेरा 50,000 का बिल आया, किसी का गरीब का मीटर कट हो गया, ये भरपाई नहीं हो रही, बिजली का बिल दे के बाद च बचना ही कुछ नहीं सी घर चलाने वास्ते। लेकिन 53 लाख परिवारों के 2 किलो वार्ड के सारे बकाए माफ किए हैं, 1500 करोड़ रुपया आम लोगों के कोल गया, सारे पर लीक मार दी है। कई मनु कहते जी ऐलान होंगे लागू नहीं होंगे, लेकिन अगला बिल जेड़ा आया उदे पर लिखिया होया आ गया, थोड़ा पुराना इना बकाया सरकार ने भर दिता है, नाल दी नाल फैसला लागू। बिजली इनी महंगी कि गरीब आदमी आम आदमी मिडिल क्लास के लोग
या बिजली का बिल दिंदे ता घर का बाकी खर्चा चलाउण नूं कुछ नहीं रहिंदा। मेरे घर का अपना बिजली का बिल मेरी वाइफ है जिहड़ी मेरी घर वाली है, वो डाक्टर है, उहदी तनखाह चो जांदा है। जब बिजली का बिल एडा बड़ा आ जाता मैं मेरे वाल देखने लग जाती मेरे खाते में जाने ऐसी 3 रुपये बिजली का रेट कटाता जेड़ा कदे किते नहीं होया। सारे हिंदुस्तान नालों अज पंजाब दे विच बिजली सस्ती है। अगले थोड़े जेड़े बिल आने अद्धे अद्धे आने हैं, हद तो भी घट जाने हैं। केजरीवाल जी कहते ऐसी 400 यूनिट बिजली का 300 यूनिट माफ करांगे, लेकिन जिदन 300 पूरे हो गए जे 301 हो गया तो 300 का भी बिल लगेगा। यही दिल्ली दे विच मॉडल है इन्हों का कि 400 यूनिट तक माफ है, जे 401 हो गया तो 400 का ही बिल लगना। केड़ा लुधियाने विच घर है जिदे विच 400 यूनिट नहीं पड़ते, इहदा मतलब लुधियाने जी तां किसे दा माफ होना ही नहीं। बेवकू बनाना है सानू। कहते जी पंजाब मिशन शुरू किया केजरीवाल ने, इहदा मतलब क्या है कि दिल्ली तो आके राज करना पंजाब नूं जीतना। क्यों भाई, पंजाब बंजर धरती है, पंजाब का कोई मालिक नहीं है, पंजाब दे विच पंजाबी नहीं रहते। तुसीं दिल्ली दे आके राज किवें करोगे, किवें तुहानूं पंजाब संभाल दीए जो दिल्ली दे विच नुकसान कर रहे हो। आ बहानेबाजी चलूगी कि 400 यूनिट माफ, जे 401 होगी तो 400 दे पैसे पै जाने, ये कोई सट्टा है। आ जिहड़ा असीं 3 रुपये घटाए है इहदे नाल तुहाडा बिल थोड़ा जिहा होणा है। जिहड़े 100 यूनिट तक बाल दे, 100 यूनिट तक का रेट 1 रुपया रह गया। इस करके एक वड्डी राहत पंजाब के लोगों नूं मिली। बिजली पानी के बिल, पानी दी टैंकियां दे बिल माफ कीते, पुराने सारे बकाए थोड़े माफ हो गए। लेकिन अगे नूं भी जिहड़ा 250 रुपये बिल आउंदा सी वो 50 रुपये आउण लग गया। हुण तुहाडा सिर्फ बिल पानी का 50 रुपये आए करना। लुधियाने वाले सुन लो, कोई 250 नहीं, कोई 400 नहीं, कोई 500। रेता 22 रुपये बिक रहा सी ना दरिया ते, मैनू कहने जी तू कर नहीं सकदा ये काम नूं, इहदे विच बड़े बंदे इनवॉल्व है, इहदे विच पुलिस इनवॉल्व है, ये बड़ा माफिया है, नहीं हो सकता। देते एक दिन अफसरां दी मीटिंग बुलाई है। मैं क्या रेता 5.5 रुपये दरिया पर विचे भराई, विचे जमींदार दे पैसे, विचे ठेकेदार दे 5.5 रुपये रेट दरिया पर मिल रहा। हुण 22 रुपये वाला 4 गुना रेट घटाते हैं। जे किते ना मिल जावे तां मैनूं आके फड़ लिओ। ये काम करन दे तरीके है, यही अफसर है, यही लोग है, यही कर्मचारी है। अज सीधे होके काम कर रहे हैं। अज क्यों नहीं रेता 22 रुपये बिकता, क्यों 5.5 रुपये बिकता है? क्योंकि सोच साफ, नीति नेक, पार्टी और सरकार मिलके चल रहे, दोनों की सोच है कि माफिया खत्म करना और सही रेट से सही चीज लोगों तक पहुंचानी। हुण मेरी अगली हक केबल वाले पर है। ये बड़ा लुट रहे है। मैं हुणे पता करिया आशू जी से, कई भरा माते पुछया, मैं क्या यार रेट किन्ना है केबल का? 400 तो लेके 1000 रुपये तक है। जे थोड़े जे 2-4 चैनल चलाने 400 रुपया। वो मैं क्या यार मैं तो उन्नो बिजली माफ करता फिरी जाना, पानी माफ करता फिरी जाना, असली लुटता केबल वाले ने पाई दी है। इन्हों सीधे करना है, इन्हों सीधे करना है। आ हुण इन्हां दी केबल बढ़नी है। मैं या तो सीधे हो जाएंगे या केबल बढ़ी जाएगी। 100 रुपये से ज्यादा इन्हों का मतलब नहीं है कोई बनता लेन का। लुधियाने वालों मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान कर रहे हैं 100 रुपये से ज्यादा किसी ने नहीं देना। घर आए नापस मोड़ दो, मैं जिम्मेवार है।
कोड बढ़ने ये जेडे काम केवल नेटवर्क दे है पंजाब के नौजवानों देने आम घरों देने इको परिवार सारे पंजाब नु सामी बैठा है बादलों का ही सब कुछ चल रहा है बड़िया बड़िया बसा शीशे वालिया एसी बसा देखिया फिर थाने विच खड़िया और राजा बड़े के नाल खड़ा देखिया देखिया सारे नू जद मैं ओपोजिशन लीडर था जद ऐलान करिया सी कि आ बादलों दी बसा थाने विच खड़िया दिखाणिया दिख गया ठीक है साढ़े चार साल नहीं दिखा सकिया कैप्टन का राज सी वो भी मिले हुए सी सारे इको थाली दे चट्टे बट्टे कट्ठे होकर लुट रहे सी उत्तर काटो मेरी बारी हुण बादल चढ़ गए अगली बार सुखबीर चढ़ जूगा फिर बादल चढ़ गए अगली बार एक काम खत्म करता राहुल गांधी ने आम लोगों का राज आ गया पंजाब केवल नेटवर्क 100 रुपए के बाद कोई ना दियो लुधियाने वाले मैं अज दस के जा रहा जेड़ा 100 रुपए से ज्यादा दे रहा मुजरम है तेरे बादल मुजरम नहीं होंगे लेकिन एक तुम दस दिना इन्हों की मैं रस्सी बढ़न की तैयारी लगे हुए हैं ये रस्सी बढ़नी है सारे परमिट इन्हों कैंसल कर रहे हैं अपने नौजवान वर्करां देवांगे जेडे लोग जिन्हों के कोई सिफारिश नहीं है जिन्हों को रिश्वत देने पैसा नहीं है उन्हों की सिफारिश रणजीत चन्नी नहीं है जेड़ियां नौकरी मैरिट से नहीं मिलती उन्हों की सिफारिश पंजाब सरकार है कांग्रेस पार्टी है नवजोत सिंह सिद्धू लेकिन एक भी जो नौकरी देनी है मैरिट से देनी पैसे और सिफारिश के नाल नहीं देनी 1 लाख नौकरियां नवीं कट रहे सत्कारयोग वीरो गल्लां थोड़े नाल करन बहुत है मैं थोड़े पास आने तो पहला रास्ते में आ रहा ऑटो रिक्शा वाले पर रुक गया रेहड़िया वाले को रुक गया लुधियाने 30,000 ऑटो रिक्शा है 50,000 रेहड़ी है पता किन्नी लुटूंदी है उन्हां दी हरेक रोड रोक के चल चलान कई 50,000 खड़ा है कई 10,000 खड़ा है अज सारे पर लीक मार रहे हैं किसे टेंपू वाले का ऑटो रिक्शा वाले का जिन्ना बकाया थोड़े चाहे वो नहीं बैठे लेकिन गरीब परिवार है लेकिन उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं है उन्हां दी सरगवाई पंजाब सरकार करेगी जिन्हें ऑटो रिक्शा वाले जिन्हिया रेहड़िया वाले बाजार दे विच घूमदे है कोई ना कोई उन्हां तों 2500 रुपया ले रहा महीने का 3500 रुपये ले रहे सरकार के खजाने च नहीं जा रहे फिर असीं लईए कदे जां सरकार के खजाने च नहीं आणदे और लेट भी क्यों दईए गधियां नूं खेत क्यों लटाईए ऐसे माफिया नूं रद्द पाउणी जरूरी है एक सर्टिफिकेट जारी करांगा सरकार वल्लों हरेक रेहड़ी हरेक टैंपू पर लग्या होएगा 3-व्हीलर पर कोई पुलिस वाला उन्हें रोकेगा नहीं कोई पुलिस वाला उन्हें रोकेगा नहीं ना ही रोकण देवांगा साफ सुथरा प्रशासन देना पंजाब दे विच एक चंगी सोच देनी है एक चंगी सरकार नूं अगे वधाउणा है सो सत्कारयोग वीरो ऐसी लुधियाने दे विच छोटियां फैक्ट्रियां बहुत है लेकिन बिजली दे बिल बहुत ज्यादा आउंदे इन्हों के असी फिक्स चार्जर है जे चार्ज है जेडे जेड़ा पक्के तौर पर आना ही आना बिल दे विच उन्हां दे चार्ज नूं अद्धा करता है इस दे नाल ही इंस्टीट्यूशनल टैक्स जेड़ा पंजाब दे विच लग्या होया सी 12 तो वो सारा खत्म करता है इस दे नाल ही 48,000 पंजाब दे बैठ के केस चलते दुकानदारां दे वो सारे लैन मारती है किसी नूं हुण इनकम अपने टैक्स वालिआं दे दफ्तर जाण दी लोड़ नहीं तुसीं मैनूं लुधियाणे वाले इक गल दसो पटाके सही मिले ऐतकी दिवाली दे विच गल इह सी कि मैं भी कदे पटाके बेचदा सी मेरे बापू दी दुकान सी बाहर मंजा ला के मैं पटाके बेचने ते मेरा साल दा खर्चा निकल जांदा सी ऐतकी जब दिवाली आई मैं सोचिया मुख्यमंत्री तू है तां जिहड़े
पुलिस वाले आके सवेरे डंडे मार दे पटाके वालों नूं उठ जाओ शाम नूं बिठा देते पैसे लेके ये गल फिर खत्म कर दे। एक कॉल दी है पंजाब दे विच किसी भी दुकानदार नूं ऐतकी दिवाली ते तंग नहीं किया गया। सब तो वधिया दिवाली जे पंजाब विच होई है तां ऐतकी होई है। सब तो वधिया किसानी की प्रक्योरमेंट फसल चक्की गई है तां मैं शाबाशे दिंदा अपने होनहार वीर भारत भूषण आसू नूं जिहड़ा फूड सप्लाई मंत्री है। एक दाणा दाणा चक्किया ते किसे नूं हरासमेंट नहीं होई। ऐतकी पहली बार ना मारदाणा मुक्किया ना कोई हड़ताल होई ना कोई धरना लग्या। इस तरह कणक झोना चकोगे जिस तरह पता ही नहीं होंदा वी कुछ होया। यह होंदी है चंगा प्रशासन। ऐतकी सफाई सेवका की गल करनी है मैं मेरे भरावो सफाई सेवक मेरे भरावो जेड़े दर्जा चार दे मुलाजमो मैं लुधियाने की कले की गल नहीं करता पंजाब की गल करता। दस दिन दे विच तुहानू पक्के करके सर्टिफिकेट हाथ च फड़ा देने। जिन्हें सफाई सेवक है मैं उन्होंने यूनियन भी मिली है जिन्हें दर्जा चार कर्मचारी है जेड़े कारपोरेशन म्यूनसिपल कमेटिया काम करते ठेके से है उन्हां सारिआं नूं कोई 10 साल की शर्त नहीं। म्यूनसिपल कमेटियां कारपोरेशन से असीं पुआले आ रेजुलेशन ते तुहानूं पक्का करके घर नूं पक्के तौर ते करके भेजांगे ते तुहाडी भी अज ते दिवाली बन जाएगी। मैं तुहानूं इस गल दी गरंटी दे के जा रहा। सो मैं ज्यादा गल्लां नहीं करनियां थोड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता है खास तौर पर करवल साहब का साढ़े एमएलए साहबान होर सारे लीडर साहबान। मैनू तो यह पता लग्या सी कि अज वर्कर मीटिंग होनी है 500-700 वर्कर होएगा। मैनू क्या पता भी इतने साडा इन्ना वर्कर टाइम हो गया कि सारे पासे शहबरा लगे हुए हैं जिन्ने तुसी अंदर है इहदे नाल चार गुणा दा मैं बाहर देख के आया। ये परमात्मा की कृपा है कि आम लोगों का राज पंजाब दे विच स्थापित हो रहा है ते स्थापित होया आने वाले समय दे विच तुसी देखोगे पारदर्शी सरकार होएगी। ते मैं तुहानू इक गल दसना चाहता है कि मैं सुखबीर बादल वांगू तां नहीं कहिंदा कि जी असी सिंगापुर बना देना असी फलाना बना देना असी फलाना बना देना लेकिन पंजाब दे विच आम लोगों का राज होएगा ते सुनहरी राज होएगा। एक सुनहरा पंजाब बना के थानू दवांगे। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत